जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका। सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में सो सभी साथियों एक बार जल्दी से लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों, ठीक है। चलिए स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन, और आपको जितने भी हमारे टीजीटी पीजीटी वाले साथी हैं या फिर मास्टर कैडर वाले साथी हैं दोस्तों, केबीएस वाले साथी हैं, सभी लोग आ चुके हैं, तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें अपनी साथियों तक, ठीक है। यहाँ पर आज हम आपको बता दें कि दोस्तों एक कोर्स स्टार्ट हो चुका है, हिंदी साहित्य का नया बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आप हिंदी को बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो, हिंदी को शुरुआत से पढ़ सकते हो, ठीक है। आप पीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, केबीएस एलटी ग्रेड डीएसएसबी आदि एग्जाम तैयारी कर रहे हैं या मास्टर कैडर की, तो इस कोर्स में एडमिशन अभी भी आप ले सकते हो। एक क्लास हुई है आज, ठीक है, 15 अप्रैल से नया बैच, मतलब दोस्तों आज से ये नया बैच चल रहा है, तो आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। 10 तारीख तक ऑफर था, अब आप 1500 में 12 महीने के लिए, 1500 में 12 महीने दोस्तों इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के, ये हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि, हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखन के स्रोत, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु युग, द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद, इस प्रकार से अगर आपको नोट्स मंगवाना है तो आप नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, है ना। ये पूरे नोट्स आपको आपके बाई पोस्ट आपके भिजवाए जाएंगे, तो जिनको जिन भी साथियों को ये नोट्स मंगवाना है, ट्रिकी नोट्स, बढ़िया नोट्स हैं, ठीक है, वो मंगवा सकते हैं। आज का प्रश्न है कि तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है। एक सरल क्वेश्चन से शुरुआत, एक बढ़िया क्वेश्चन से शुरुआत यहां पर हो चुकी है, तो जल्दी से लाइक करके शेयर जरूर कर दो दोस्तों। तुलसीदास की भक्ति आपको चयन करना है, किस भाव की मानी जाती है, अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। दास भाव की है, समर्पण भाव की है, माधुर की है, या फिर साख्य भाव की मानी जाती है, यानी कि तुलसीदास की जो भक्ति है वो किस भाव की है, बताएं जल्दी से। और सभी को पता है कि सर तुलसीदास की दास भाव की, सूरदास की सखा भाव की, मीराबाई की माधुर भाव की, यानी कि आपका उत्तर यहां पर एक नंबर बिल्कुल सही है। विद्यापति की पदावली किस भाषा में रचित है, 52 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग 52 नंबर के क्वेश्चन में चयन करेंगे, लाइक करेंगे, सभी लोग बताएंगे यहां पर, तो बताइए क्या हो जाएगा यहां पर राइट आंसर। विद्यापति की पदावली किस भाषा में रचित है, पहाड़ी में, मैथिली में, अवधी में, या फिर पिंगल में। आपको पता है विद्यापति के बारे में, आप जानते हैं जिन्होंने कीर्ति लता और कीर्ति पताका की भी रचना की थी दोस्तों, जो कि अवहट्ट भाषा में थी, है ना। और यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से बताना है आपको, फटाक से बताएंगे सभी साथी कि विद्यापति की जो पदावली है मैथिली भाषा में है, और मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है, ठीक है। तो ये बी नंबर करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। कबीर बाज भी, कपोत भी, पपिया भी, इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार कौन है, 53 नंबर का क्वेश्चन है, 53 नंबर का क्वेश्चन है, कबीर बाज भी, कपोत भी, पपिया भी, इसके रचनाकार कौन है, 53 नंबर का क्वेश्चन, सभी लोग बताएंगे उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा। सरबजोत जी, अमित जी, कबीर बाज भी, कपोत भी, पपिया भी, इसके रचनाकार कौन है, 53 नंबर का क्वेश्चन। और बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, रीना यादव जी, विकास यादव जी, संजय पाठक जी, सभी लोग बताएंगे, लाइक कर दो। जिन भी साथियों को ऐप में एडमिशन लेना है, 1500 में 12 महीने के इसमें एडमिशन ले सकते हो दोस्तों, निरंतर अध्ययन कर सकते हो 12 महीने, है ना। तो यहां पर आपका उत्तर ए नंबर है, धर्मवीर, डॉक्टर धर्मवीर है ये, ठीक है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नंबर राइट आंसर है। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा व्रत के लेखक कौन है, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा व्रत के लेखक कौन है, सत्यदेव परिव्राजक, राहुल शांकृत्यायन, यशपाल हैं, या फिर अज्ञे हैं। सभी लोगों को चयन करते हुए आगे बढ़ना है, शेयर भी करना है। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा व्रत के लेखक कौन माने जाते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 54 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। 54 नंबर में आप लोग क्या आंसर लगाएंगे, क्या आपका राइट आंसर है, तो घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा व्रत के जो लेखक माने जाते हैं वो लेखक हैं, कौन है, 54 में राहुल शांकृत्यायन, यानी कि आपका जो बी नंबर है राहुल शांकृत्यायन वो बिल्कुल सही आंसर है, राइट आंसर है, ठीक है। चयन करना है अगला क्वेश्चन आपके लिए, जुबान पर लगाम ना होना, जुबान पर लगाम ना होना मुहावरे का
सही अर्थ क्या है? जुबान पर लगाम ना होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से बोलना, सदैव कठोर वचन कहना, सर्वत्र अपनी बागतीमा दिखाना। 55 नंबर का क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक बहुत ही बढ़िया, ऐसे बोलते हैं कि जुबान उसके तो जुबान पर लगाम ही नहीं है, ऐसे ही बोलते ना। तो जुबान पर लगाम ना होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, 55 नंबर का क्वेश्चन है। और देखते हैं कौन कौन बचपन से 55 पर तीर चलाते हैं और चल गया है तीर कि सर अनावश्यक रूप से बोलना, यानी बी नंबर सही है। कब्बे और काला पानी कहानीकार, इसके कहानीकार कौन है? कब्बे और काला पानी, इसके कहानीकार बताना है। और शेयर कर दो दोस्तों अपने मित्रों तक, सभी साथी, है ना। ये क्लास रोज रात्रि 9 बजे चलती है दोस्तों, आपकी लाइव क्लास चलती है, बढ़िया क्लास चलती है। कब्बे और काला पानी, इसके रचनाकार कौन है? एक अच्छा क्वेश्चन है। अखिलेश हैं, उदय प्रकाश हैं, स्वयं प्रकाश हैं, निर्मल वर्मा हैं, कौन माने जाते हैं? और बढ़िया सा क्वेश्चन है, 56 नंबर का क्वेश्चन है। और आपका उत्तर है कि सर कब्बे और काला पानी। काला पानी सर बड़ा निर्मल लगता है। कब्बे को काला पानी कैसा लगता है? निर्मल लगता है। तो निर्मल से निर्मल वर्मा, डी नंबर सही है। सर कटिलास उपन्यास के लेखक कौन है? जल्दी से बताना है। और एक और बताना है कि जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अंजू यादव जी बताइए। वंदना सिंह जी, सर कटिलास उपन्यास के लेखक कौन है और जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बाबू देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जा राम मेहता, या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रियंका कौर जी, सभी लोग बताएंगे। नीलम पटेल जी, बहुत सारे साथियों ने एडमिशन ले लिया है नए बैच में। आपको अगर एडमिशन लेना है तो अभी भी आप ले सकते हैं दोस्तों। क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं नए बैच की, शाम को 5 बजे लाइव क्लासों के माध्यम से पढ़ाया जाता है। सर कटिलास उपन्यास के लेखक कौन है? 157 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। उत्तर हो जाएगा कि सर बी नंबर लगा दो, गोपाल राम गहमरी लगा दो। जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक है। हिंदी प्रदीप के SSB संपादक का नाम क्या है बताएं? 58 नंबर का क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप जो कि दोस्तों 1877 में इसका प्रकाशन हुआ था, है ना, हिंदी प्रदीप। और अपन ने पढ़ा था, इसकी ट्रिक बनाई थी कि सर प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए, प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए। तो प्रदीप से बना था हिंदी प्रदीप और बाल से बना था क्या? बाल कृष्ण भट्ट, जिनका जन्म 1844 में हुआ था, है ना। भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ लेखक माने जाते हैं। बी नंबर सही है, है ना, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। जिसने दोस्तों इंद्रियों को जीत लिया हो, चयन करना है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो वो बताना है। इसमें एक शब्द क्या होगा? जितेंद्रिय हो जाएगा। योगी ऋषि क्या हो जाएगा? 59 नंबर का क्वेश्चन है, 59 में आपको चयन करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो तो सभी लोग बताएंगे उसे क्या कहेंगे? उसके कहेंगे जितेंद्रिय, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ये नंबर आपका राइट आंसर है, ये नंबर बिल्कुल सही है। चौपट चपेट नाटक के लेखक कौन है? 60 नंबर का क्वेश्चन है। सेल्फ स्टडी क्लासेस, ये वाला ऐप आपको डाउनलोड करना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस। 60 नंबर का क्वेश्चन, चौपट चपेट नाटक के लेखक कौन है? 60 नंबर का क्वेश्चन है। और उत्तर है कि सर किशोर किशोरियों ने सब चौपट कर दिया, रमेश कुमार जी। किशोरों ने क्या कर दिया? बोले सर किशोरी ने चौपट कर दिया, किशोरी। तो किशोरीलाल गोस्वामी हो जाएगा डी नंबर आपका। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है? सभी लोग चयन करेंगे। यहां पर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया कि जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा होता है, रूपक होता है, दीपक होता है, या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अच्छा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सभी लोग बताएंगे। इतना बढ़िया क्वेश्चन, इस सेशन से आपको जुड़े रहना, अपने मित्रों को जुड़े रहना है, है ना। और 61 नंबर के क्वेश्चन में बोले सर 61 नंबर का उत्प्रेक्षा अलंकार लगा दो, डी नंबर लगा दो। डी नंबर जनता जनार्दन डी की तरफ जा रही है, यानी कि डी नंबर। निबंध गद्य की कसौटी है, यह विचार किसका है? निबंध गद्य की कसौटी, यह विचार किसका है? सिद्धांत सिंह चौहान का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का? 62 में निबंध गद्य की कसौटी है, ये विचार किसका है? अच्छा क्वेश्चन है दीप जी, बताइए। रेखा जी,
अमित सिंह जी, विजय मित्तल जी, निबंध गद्य की कसौटी है, विचार किसका है, 62 नंबर का क्वेश्चन है। और यहां पर आपका देखते हैं क्या नंबर जा रहा है यहां पर, तो आपका उत्तर हो जाएगा कि सर रामचंद्र शुक्ल लगा दो, सी नंबर लगा दो, ये निबंध गद्य की कसौटी है, ये विचार किसका है, तो ये विचार है रामचंद्र शुक्ल का। कोणार्क नाटक की रचना किसने की, 63 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग बताएंगे, अंजू यादव जी, राजीव जी, सभी लोग बताओ, रानी कौर जी, कोणार्क नाटक ये इसके रचनाकार कौन है, कोणार्क किसका नाटक है, एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया सोहन सिंह जी, तो सभी लोग मिलकर के बताएंगे, 63 नंबर का उत्तर बताएंगे, और उत्तर चला जाता है जगदीश चंद्र माथुर, यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है, कोणार्क नाटक की रचना की है जगदीश चंद्र माथुर ने, बी नंबर आपका करेक्ट और राइट आंसर है। दोहा किस प्रकार का छंद है, दोहा किस प्रकार का छंद है, 64 नंबर के क्वेश्चन में, सममात्रिक है, विषम मात्रिक है, संस्कृत वृत्त है, या फिर अर्ध सम मात्रिक है, दोहा किस प्रकार का छंद है, एक अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे 64 नंबर के क्वेश्चन में, और सीधा आंसर जा रहा है कि सर जो दोहा है ये अर्ध सम मात्रिक है, कैसा है, अर्ध सम मात्रिक, यानी कि आपका जो डी नंबर है 64 में वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेम तरंग के रचनाकार कौन है, प्रेम तरंग के रचनाकार कौन है, राधा कृष्ण है, भारतेंदु है, प्रेम घन है, या फिर श्रीनिवास है, प्रेम तरंग यानी कि 65 नंबर का क्वेश्चन, सभी लोग बताएंगे प्रेम तरंग के रचनाकार कौन है, अच्छा नंबर क्वेश्चन पूछा गया, 65 नंबर पूछा गया आपसे, और आपका उत्तर जा रहा है कि सर प्रेम तरंग यानी कि आपका उत्तर है भारतेंदु, भारतेंदु यानी आपका जो बी नंबर है भारतेंदु आपका राइट आंसर है, बी नंबर बिल्कुल सही है ना, प्रेम की तरंग तो बोले सर भारत में देखने को मिलती है ना, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। देवकी नंदन खत्री के अपूर्ण उपन्यास भूतनाथ को पूर्ण किसने किया, भूतनाथ को पूर्ण किसने किया, पूरा किसने किया, 66 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग शेयर कर दो अपने मित्रों को दोस्तों, और इतना अच्छा सेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार से सभी को जुड़ना है, जो भी हमारे साथी टीजीटी पीजीटी वाले साथी हैं, जो भी हमारे दोस्तों एलटी ग्रेड वाले साथी हैं, पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी हैं, जिनको हिंदी साहित्य पढ़ना है, रेगुलर अध्ययन करना है, वो सभी साथी जुड़ जाएं, और देवकी नंदन खत्री के अपूर्ण उपन्यास भूतनाथ को जो पूर्ण करने वाले हैं उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री हैं, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। आज्ञ का विलोम क्या होगा, आज्ञ का विलोम 67 नंबर का क्वेश्चन, मूर्ख है, विज्ञ है, अल्प है, या फिर अनुज है, आज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, प्रियंका जी, गुरप्रीत जी, सुनील कुमार जी, अंजू यादव जी, आज्ञ का विलोम आपको चयन करना है, आज्ञ में बताना है आज्ञ का विलोम क्या है, आज्ञ का विलोम क्या है 67 नंबर के क्वेश्चन में, और आपका उत्तर है कि सर आज्ञ का जो विलोम होता है, आज्ञ का विलोम होता है विज्ञ, विज्ञ यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, आज्ञ का विलोम विज्ञ होता है, बी नंबर आपका राइट है। कोप का सही विलोम शब्द क्या है, कोप का 68 नंबर का क्वेश्चन है, कोप का विलोम बताना है, बहुत बढ़िया, बताइए, बताएं कमलाकांत जी, शिव कुमार जी, सुषमा जी, बता रंजीत कुमार जी, अमित जी, जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है अपने घर पर, बहुत ही सरल भाषा में बनाए गए दोस्तों, और बहुत ही बढ़िया तरीके से नोट्स बनाए गए हैं, कोप का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा, 68 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बोले सर कोप का विलोम होगा कृपा, कोप का विलोम क्या हो जाएगा, कोप का विलोम हो जाएगा कृपा, यानी कि आपका जो ये नंबर है कोप का कृपा होता है, विलोम पूछा गया तो कृपा आपको लगाना है। शिव कुमार जी, संदीप जी, अमरकांत किस उपन्यास का पात्र है, 69 नंबर का क्वेश्चन, अमरकांत किस उपन्यास का पात्र है, सभी साथी लाइक करते हुए शेयर जरूर करिए दोस्तों, अमरकांत किस उपन्यास का पात्र है, गबन का है, रंगभूमि, कर्मभूमि, या फिर प्रतिज्ञा का है, अमरकांत किस उपन्यास का पात्र है, ये चयन करना है साक्षी जी, प्रेमांशु जी, रमा शर्मा, रावंत जी, 69 नंबर का क्वेश्चन, और इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि सर अमरकांत जो है ये अमरकांत जो है कर्मभूमि, कर्मभूमि यानी सी नंबर उपन्यास का पात्र है, और ये प्रेमचंद के उपन्यास है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। याद हो कि ना याद हो, संस्मरण के लेखक कौन है, याद हो कि ना याद हो, मैंने आपको बताया था कौन सी फिल्म है, वो कौन सी है, काशीनाथ, काशीनाथ वाली कौन सी फिल्म है, घातक,
घातक फिल्म है ना, जिसमें बोलता है काशीनाथ तुम्हें याद हो कि ना याद हो, आज से तुम मेरी गिरफ्त में काम करोगे काशीनाथ, है ना। तो याद हो कि ना याद हो काशीनाथ, काशीनाथ बी नंबर है ना, बी नंबर काशीनाथ से आपका बिल्कुल सही है। बिनु पद चले सुने बिनु काना और कर बिनु करम करे विधि नाना, इस चौपाई में कौन सा अलंकार है। दीपा जी, राजीव जी बताइए, हीरो होंडा जी भी आ गए हैं, गाड़ी चल रही है, बहुत बढ़िया। बताएं यहां पर सभी लोग, बताना यहां पर अमित सिंह जी, जल्दी से लाइक करके शेयर भी करना है। निकिता जी, बिनु पद चले सुने बिनु काना और कर बिनु कर्म करे विधु नाना, इसका आंसर चयन करना। बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया, 71 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे, शेयर जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा 71 नंबर के क्वेश्चन में, और आपका उत्तर चला जाएगा कि सर यहां पर विभावना अलंकार है कि बिना पद के चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है ना। तो यहां पर जहां पर कारण ना हो और कारण ना होते हुए भी कार्य हो, कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, यानी कि विभावना अलंकार हो जाएगा। और जहां पर कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है, यानी कि वहां पर कौन सा हो जाएगा, कौन सा अलंकार हो जाएगा, जल्दी से बताओ, है ना। पानी बिच मीन प्यासी, है ना, पानी बिच मीन प्यासी, पानी में मछली प्यासी है, कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा, मतलब कौन सा अलंकार हो जाएगा वहां पर, बताओ। किसान के रचनाकार कौन है, 72 नंबर का क्वेश्चन है, कौन बताएगा, रोली सिंह जी बताइए, राजकुमारी जी, किसान के रचनाकार कौन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। सरिता सरोज जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो यहां पर बताइए। अंजू यादव जी, अनिल कुमार जी, और उत्तर यहां पर क्या हो जाएंगे, एग्जाम आते रहेंगे जाते रहेंगे। मायाराम जी बिल्कुल सही है ना, बोले सर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो यहां पर 72 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्लिक करना है, मेथी लगा दो, बोले सर किसान ने मेथी बोई है इस बार, मेथी बोई है मेथी, तो मेथी से क्या हो जाएगा, मेथी से मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे, ये नंबर बिल्कुल सही है। ललित ललाम के रचनाकार कौन है, 73 नंबर की क्वेश्चन है, ये अलंकार ग्रंथ माना जाता है। क्वेश्चन आया था कि बताइए कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है, लोगों ने ललित ललाम लगा दिया, जबकि ये तो अलंकार ग्रंथ है। 73 नंबर का क्वेश्चन, सरबजोत जी, आराधना पाल जी, बुलडोजर बाबा जी बताइए यहां पर, रजनी जी, सभी लोग बताओ ललित ललाम के रचनाकार कौन है, और ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया, सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें, और एक बढ़िया यहां पर दोस्तों बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन चालू हो गया है, न्यू बैच चालू हो गया है, आप लोग पढ़ सकते हो। ललित ललाम के रचनाकार कौन है, 73 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, और आपका उत्तर चला गया कि सर हमारी जो मति है, मति हमारी ललित हो जाए, कोमल हो जाए, है ना। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी जी की जीवनी है, तो बताओ ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कई बार आ चुका है। अरुण राजपूत जी, विश्वास मलिक जी, सवारी सभी लोग बताएंगे, विवेक यादव जी, अमित सिंह जी, एक बार शेयर भी कर दिया करो अपने मित्रों को, फेसबुक पर शेयर कर दिया करो थोड़ा सा, है ना। तो यहां पर गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी कौन सी है, 74 नंबर का क्वेश्चन है, 74 में आपको बताना है, और 74 का सही आंसर हो रहा है कि सर गांधी जी विद्यार्थी, अगर विद्यार्थी गांधी तो नहीं बोलेंगे, बोले सर श्री लगाएंगे, श्री विद्यार्थी है तो श्री गांधी हो जाएगा, ये नंबर सही हो जाएगा। मैंने आपको कई बार बोला है कि एक बार क्या हुआ कि एक बच्चे का इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ, और उससे केवल इतना पूछा गया कि आपके देश का प्रधानमंत्री कौन है, उसने सीधा बोल दिया नरेंद्र मोदी। ये संस्कार हैं, इंटरव्यू से सीधे बाहर, प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री अगर आप नाम ले रहे हो तो थोड़ा सम्मान से नाम लीजिए, है ना, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, इस प्रकार से बोल सकते हो आप, है ना। तो कभी कभी आपके संस्कार आपकी टोन आपको नीचे गिरा देते हैं, इसलिए संस्कार और टोन, है ना, और बोलने का तरीका, आपका लहजा, बोलने का लहजा, इसको अगर आप अच्छा रखोगे तो इससे नुकसान नहीं होगा, इससे आपका फायदा ही होगा, है ना। तो यहां पर विद्यार्थी है, श्री लगाएगा, श्री गांधी लगाएगा, ये नंबर बिल्कुल सही है। अकाल पुरुष गांधी, किसने इस जीवनी की रचना की, इंटरव्यू में यही देखा जाता है दोस्तों, क्या पास कराए एग्जाम, लायक तो हो,
लेकिन कितने लायक हो वो इंटरव्यू बताता है। 75 नंबर का क्वेश्चन, सभी लोग बताओ अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है, एक क्वेश्चन बताना है, जल्दी से बताइए। जसमेल जी, दारसू जी, रमा शर्मा जी, पूनम शर्मा जी, जनेंद्र कुमार अग्गे, डॉक्टर देवराज या फिर प्रभाकर माचबे। इसलिए तो मैं आपको बोलता हूं सम्मान सम्मान की बात करते, अगर आप सम्मान सीखते हो सम्मान आपका नुकसान नहीं करेगा, आप दूसरे को सम्मान करते हो सम्मान वापस आएगा, लौट कर आएगा। अगर आप सम्मान करना सीखते हो, सम्मान जानते हो, तो वो आपका नुकसान नहीं करेगा, आपको ऊंचा ले जाएगा। तो एक सीढ़ी मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप दूसरों का सम्मान करिए, वापस में आपको सम्मान मिलेगा। आप दूसरों का अपमान मिलोगे करोगे, उससे बड़ा अपमान आपको मिलेगा। तो एक सीढ़ी इसको पकड़िए, तरक्की की सीढ़ी को। अकाल पुरुष गांधी के रचनाकार कौन है, 75 नंबर का क्वेश्चन है, 75 का है जैनेन्द्र कुमार, ये नंबर आपका सही है। आप दोस्तों जिंदगी भर दूसरों को कोसते रहते हो कि वो हमारा दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है, जबकि आपको पता है कि आप स्वयं आपके सबसे बड़े दुश्मन हो। आप अपना भला चाहते ही नहीं हो। अगर आज से आप लोग अपना भला चाहते हो तो दूसरों से सम्मान से बात करोगे, आप अपना भला चाहते हो तो, है ना, सम्मान से बात करोगे, क्योंकि आप जो देते हो वही आपको मिलता है ना, ये याद रखते ना। कौन रसवादी आलोचक कहे जाते हैं, 76 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे, और लाइक करके शेयर भी करना है, ये आपसे पूछा जाता है। 76 नंबर में उत्तर है आपका बी, यानी कि नगेंद्र रसवादी आलोचक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक किसने कहा, 77 नंबर का क्वेश्चन है, 77 नंबर के क्वेश्चन में लाइक कर देना है, शेयर करना। डॉक्टर गिरियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्लो नामवार्स हैं। मैंने आपको बताया था एक बार कि जिंदगी एक नाटक है, और जिंदगी एक नाटक में आपको बताया कि नाटक में विभिन्न प्रकार के पात्र होते हैं, सभी पात्रों का अभिनय अलग अलग होता है ना। आपको भगवान ने इस जिंदगी के नाटक में किस पात्र के रूप में यहां पर उतारा है, उस पात्र की भूमिका में आप हमेशा कैसे उतरना है, खरे उतरना है। तो जिंदगी के नाटक में आपका पात्र क्या है, आपको कैसा अभिनय करना है, उसको समझिए, है ना। तो यहां पर तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा, 77 नंबर का क्वेश्चन है, 77 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है, और आपका उत्तर हो जाएगा ग्रियर्सन, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है दोस्तों, 78 नंबर का क्वेश्चन, भारत भारती का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है, 1910, 12, 14 या फिर 16, बताइए। प्रमांशु जी, सुनीता रानी जी, ममता जी, सभी लोग बताएंगे। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए, संस्कार भी मिलते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी आपको सीखने को मिलती हैं, साथ ही अभिनय दोस्तों अनुभव भी आपको मिलते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी क्लासेस में। ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी क्लासेस में केवल आपको पढ़ाया जाता है, क्लास के दौरान अपने अनुभव भी शेयर किए जाते हैं जो आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, है ना। भारत भारती का प्रकाशन 1912 में हुआ, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। लहर में संकलित सबसे लंबी कविता कौन सी है, लहर में संकलित सबसे लंबी कविता कौन सी है ये बताना, 79 नंबर का क्वेश्चन बताना है, जल्दी से बताइए। अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पैसोला की प्रतिध्वनि और प्रलय की छाया, है ना। एकाध बार दोस्तों आशिकों के लिए जरूर मुझे प्रेरणा देना है ना, आशिकों के लिए एकाध बार एकाध सेशन में मैं जरूर दूंगा, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे, आपने देखे होंगे प्यार करने वाले देखे होंगे, आशिक देखे होंगे, है ना, जो अपनी जिंदगी खेल पर खेल जाते हैं, अपनी जिंदगी को भी बर्बाद कर देते हैं, ऐसे भी लोग देखे होंगे आपने, है ना। तो लहर में संकलित सबसे लंबी कविता कौन सी, 79 नंबर का क्वेश्चन आपसे बताना है, 79 नंबर में आपका उत्तर हो जाएगा प्रलय की छाया, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रलय की छाया में दोस्तों, लहर में संकलित सबसे लंबी कविता है प्रलय की छाया, डी नंबर, ठीक है। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, बताइए जल्दी से। 80 नंबर अनिल कुमार जी, देखो बहुत सारे लोग बोले सर, है ना, तो यहां पर देवनागरी लिपि में कौन सी लिखी जाती है, बंगला, पंजाबी, मराठी या फिर गुजराती, बताइए। 80 नंबर का क्वेश्चन है, खुरैशी जी चयन करिए, सीमा गुरिश्मा जी, कुमकुम यादव जी, 80 का क्वेश्चन सभी लोग बताएंगे। सरिता जी, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चल रहा है यहां पर, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो यहां पर बताना है
जल्दी से बताओ, मराठी, मराठी यानी कि सी नंबर आपका सही है। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है कौन सी? मराठी। सी नंबर, शुद्ध कविता की खोज किस प्रकार की रचना है? शुद्ध कविता की खोज, काव्य संग्रह, निबंध संग्रह, कहानी संग्रह या फिर इनमें से कोई नहीं? 81 नंबर का क्वेश्चन बताना है। चयन करिए, लाइक करिए, शेयर भी करिए। रीना मंडियाल जी है ना, कृष्णा जी, जल्दी से बताइए यहां पर क्या हो जाएगा। भूमिका त्रिपाठी जी, ममता जी, अंजू यादव जी, शुद्ध कविता की खोज, जल्दी से बताइए राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा। 81 नंबर का क्वेश्चन है और 81 में आपका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अनिल कुमार जी देखो बहुत बेचैन है, बोले सर क्लास कब ले रहे हैं आप, है ना, आप तो बता दो बस, है ना। तो यहां पर 81 नंबर का क्वेश्चन और आपका उत्तर है निबंध संग्रह, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, कोसी का घटबार रचना के लेखक कौन है? कोसी का घटबार बताइए, सभी लोग बताइए। बहुत बढ़िया कुरैशी जी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया कुरैशी जी, है ना। तो कोसी का घटबार रचना के लेखक कौन है? 82 नंबर का क्वेश्चन, सभी लोग बताएंगे। हरप्रीत जी, सुनीता जी, विकास जी, सभी को बताना है, बताएं। प्रमांशु जी, 82 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आपका उत्तर है शेखर जोशी, बी नंबर। कोसी का घटबार, कोसी का घटबार अपन ने पढ़ा था ना अभी, कोसी का घटबार एक किसकी कहानी है, ये कहानी है शेखर जोशी, यानी बी नंबर करेक्ट और राइट आंसर है। ठीक है, शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची बताना है। जैसे दोस्तों अपन साहित्य में पढ़ते हैं कि घनानंद जी ने सुजान से प्रेम किया लेकिन घनानंद को ठुकरा दिया, घनानंद ने मृत्यु को प्राप्त नहीं किया, घनानंद दोस्तों पागल नहीं हुए, घनानंद साहित्यकार बन गए, घनानंद साहित्यकार बन गए और लोगों को प्रेरणा दी उन्होंने, उन्होंने लोगों को प्रेरणा दी है, है ना, क्या बनके? साहित्यकार बनके उन्होंने कविताएं लिखी हैं घनानंद, है ना, जिनका नाम दोस्तों आज हम हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य में लेते हैं, बोधा का नाम लेते हैं अपन, है ना। जब अपन साहित्य पढ़ते हैं तो ये प्रेम प्यार वाली ये जो छोटी छोटी बातें, इनको अपन को समझना चाहिए दोस्तों, है ना। तो यहां पर शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची क्या है? 83 नंबर का क्वेश्चन है, 83 नंबर में आपको बताना कि सर ये बानर है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में गांधीवाद, गांधीवाद, आतंकवाद, साम्यवाद तीनों का चित्रण हुआ है? तीनों का चित्रण हुआ है किसमें? 84 नंबर का क्वेश्चन, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सबई नचावत राम गोसाई या फिर चाणक्य, तो जल्दी से बताइए उत्तर क्या हो जाएगा। सभी लोग बताना है, 84 नंबर का क्वेश्चन है यहां पर और जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद तीनों के चित्र मिलते हैं? तो बताइए भगवती चरण वर्मा के, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है देवेंद्र जी, है ना, गायत्री जी, 84 नंबर का क्वेश्चन और उत्तर हो जाएगा कि सर टेढ़े मेढ़े रास्ते लगा दो, बी नंबर आपका राइट आंसर लगा दो। दस्तक जिंदगी की, है ना, मोड़ जिंदगी की, है ना, ये दस्तक जिंदगी की आत्मकथा, इसके लेखक कौन है? दस्तक जिंदगी, मैंने आपको बताया कि अगर आपके अंदर प्रतिभा है, आपके अंदर प्रतिभा है तो प्रतिभा, प्रतिभा दोस्तों आपकी जिंदगी में दस्तक जरूर देगी, दस्तक देगी और जिंदगी में मोड़ आ जाएगा, मोड़ आ जाएगा। तो दस्तक जिंदगी की आत्मकथा, इसके लेखक कौन है? तब आपका उत्तर हो जाएगा कि सर प्रतिभा अग्रवाल, प्रतिभा अग्रवाल, सी नंबर लगा दो। मंजू राजपूत जी, सी नंबर लगाना है, सी नंबर, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। जहां मैं खड़ा हूं, आत्मकथा के लेखक कौन है? ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया? दोस्तों ऐप डाउनलोड करिए, सेल्फ स्टडी क्लासेस में आइए, मजा आएगा दोस्तों, जिंदगी के अनुभव भी और दोस्तों जिंदगी के लिए एक क्लास भी आपके लिए लगाई जाती है, है ना। ऐसा है अपना सेल्फ स्टडी क्लासेस कि सर जिंदगी के लिए बहुत ही दोस्तों, ठीक है। जहां मैं खड़ा हूं, आत्मकथा के लेखक कौन है? सभी लोग बताएं यहां पर राइट आंसर, चयन करना राहुल चांकृत्यायन, भगवती चरण वर्मा, दयानंद सरस्वती या फिर रामदृश्य मिश्र हैं। 86 नंबर का क्वेश्चन और 86 नंबर का क्वेश्चन है कि सर जहां मैं खड़ा हूं वहां से राम के दर्श होते हैं, राम के दर्श होते हैं, डी नंबर रामदृश्य मिश्र, डी नंबर बिल्कुल सही है, है ना। भाई गति साप छचुंदर केरी, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? भाई गति सांप छचुंदर केरी, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सांप और छचुंदर जैसा होना, सांप का छचुंदर जैसा होना,
दुविधा में पड़ जाना या फिर छछूंदर का सांप हो जाना। 87 नंबर के क्वेश्चन में ममता जी बताइए, राणा जी, विजय गुप्ता जी, रिया बाद्रा जी, डॉक्टर रिंकी वर्मा जी, 87 नंबर का क्वेश्चन है। इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो आप चौके छक्के जरूर बरसाएंगे। आईपीएल खेल रहा ना, अभी चौके छक्के बरसाए जा रहे हैं 87 नंबर के क्वेश्चन में। और उत्तर चला गया कि सर ये दुविधा में पड़ जाना, यानी कि आपका सी नंबर बिल्कुल सही है, भाई गति सांप छछूंदर केरी, यानी दुविधा में पड़ जाना सी नंबर करेक्ट है। लाहौर से लखनऊ तक क्या करना है, संस्मरण के लेखकों ने कई बार मैंने आपको समझाया, याद करवाया, ट्रिक भी बताई, लंबी लंबी ट्रिक बताई है। रमेश जी, ममता जी, सभी लोग बताएंगे दोस्तों, है ना। लोग पूछते हैं कि सर इतना कहां से लाते हो आप, इतना अनुभव कहां से लाते हो, तो मैं उनको बताता हूं कि मैंने गांव में रहकर, है ना, मैंने गांव में रहकर दोस्तों हल भी जोता है, मैंने गांव में रहकर मऊआ भी बीने हैं, और मैंने गांव में रहकर मजदूरी भी की है, और आज यहां पर आकर आपको पढ़ा भी रहा हूं साहित्य, है ना। तब जाके इस संसार का अनुभव दोस्तों इतना ग्रहण हो पाता है कि गांव का किसान कैसा रहता है, गांव में किस प्रकार की दोस्तों धारणा रहती है, और शहर में किस प्रकार की धारणा रहती है, किस प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत सारा अनुभव जब बटोरा है तब जाके आपको इतनी सारी ट्रिक बता पाता हूं, है ना। तो लाहौर से लखनऊ तक प्रकाश बतीपाल, प्रकाश ही प्रकाश करना, बोले सर डी नंबर प्रकाश बतीपाल आपका डी नंबर सही है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन बताइए कब किया था। 89 नंबर का क्वेश्चन आपको चयन करना है, लाइक करके शेयर भी करना है दोस्तों, ऐसा कोई काम मेरे उसमें नहीं, मैंने लकड़ी भी काटी है दोस्तों, हल भी जोते हैं, सब कुछ किया है। तो यहां पर पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन कब किया, 1903 में, 1900 में, 1907 या फिर 1901 में, तो बताइए यहां पर। 89 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, उत्तर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 1903, यानी ये नंबर आपका सही है, ये नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। गुरेरी जी द्वारा संपादित पत्र था, तो कौन सा पत्र था जल्दी से बताइए, और एक लाइक भी करना है। रमेश जी, रंजना जी बताएं यहां पर, गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र था समालोचक नागरी नीरद, सभी लोग बताएं, कुरेशी जी फटाफट बताएं, नागरी जी, भारत मित्र जी, क्या हो जाएगा यहां पर सही आंसर। तो 90 नंबर का क्वेश्चन है, और 90 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर हो जाएगा गुलेरी जी द्वारा जो संपादित पत्र है वो है दोस्तों समालोचक, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर संदीप जी, ये नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। यहां पर आते हैं, जिस शब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं होता, जिस शब्द का, है ना, महुआ नहीं जानते, सर्च करो गूगल पे, महुआ का पेड़, है ना, महुआ का पेड़ सर्च करो आ जाएगा, है ना। जिस शब्द का कोई खंड प्रधान नहीं होता अपितु उसका अन्य अर्थ निकलता हो उसे क्या कहते हैं, उसे कौन सा समास कहते हैं। 91 नंबर में बताओ, कोई अन्य पद प्रधान हो तो ये तो आपको पता ही है कि सर अन्य पद प्रधान यानी कि बहुव्रही समास, यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। दिग्दर्शक में कौन सी संधि है, दिग्दर्शक में बताना है। कृष्णा जी, पिंकी राजपूत जी, मंजू जी, 92 नंबर का क्वेश्चन है। संदीप जी, वीरेंद्र जी, निशा जी, सभी लोग बताएंगे। रंजना जी, लाइक करके शेयर भी कर देना सभी साथियों को, है ना। और संघर्ष करना है, मैं आपको बोलता हूँ, एक ट्रिक देता हूँ कि इतनी पढ़ाई करिए जब तक दोस्तों अंदर से आवाज ना आ जाए कि अब बस जिस दिन इस आवाज आ जाएगी ना, उस दिन आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, आप लोग तो पढ़ते ही नहीं हो, है ना, बाहर ही से आवाज आती कि अब बस, ठीक है, अंदर से आवाज आ जाए कि अब बस सिलेक्शन हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूं। दिग्दर्शक में कौन सी संधि है, 92 नंबर का क्वेश्चन है, और 92 में आपका राइट आंसर चला गया, बोले सर व्यंजन संधि लगा दो, डी नंबर आपका राइट आंसर लगा दो। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, 93 नंबर का क्वेश्चन है। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना हिंदी साहित्य के, वो अपने घर मंगवा सकते हैं दोस्तों। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, 93 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पेरे प्रत्युप्रति मति, बताओ प्रत्युत्पन्न मति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ये क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे और आपका उत्तर क्या जा रहा है। बुलडोजर बाबा जी, जल्दी से बताइए, बुलडोजर ही चल रहा है कि ऑप्शन में सही उत्तर भी बता रहे हो। 93 उत्तर चला गया
क्या बताया, प्रति, है ना, प्रत्योत्पन्नमति शब्द में उपसर्ग है प्रति, यानी सी नंबर करेक्ट राइट आंसर है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के दोस्तों लेखक कौन है, इसका रचना काल भी बताना, एक कब प्रकाशित हुआ था, पूनम जी बताइए फटाक से, चयन करिए। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं, सभी लोग बताएंगे और एक बार शेयर भी कर दो फटाफट से, और उत्तर हो जाएगा कि सर द मॉडर्न एग्रियर्सन का है ना, कब कब इसका प्रकाशन हुआ था, सभी लोग बताएंगे। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है, संचारी भावों की संख्या 8, 9, 33 या फिर 36 बताइए। 95 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, कमेंट जरूर करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा दोस्तों, जल्दी से बताओ संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है, आपका उत्तर आ गया 33। तो 34वां छल नामक संचारी भाव बताओ किसने माना है, फटाफट से बताइए राइट आंसर बताना है। छा वर्ण किसके योग से बना, इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, मजा आ गया दोस्तों, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है आज से, 15 तारीख से आज एक क्लास हिंदी भाषा के बारे में दोस्तों अपन पढ़ चुके हैं। जो भी हमारे साथी हैं जिनको भी एडमिशन लेना, आज ही सेल्फ स्टडी क्लासेस वाला ऐप डाउनलोड करिए। और दोस्तों छा वर्ण ये कई बार पूछा गया है कि छा वर्ण बताना है, छा वर्ण किसके योग से बना है, किसके योग से बना है, चार विकल्प है, चार में आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, पूनम जी, अजित जी, सभी लोगों का आंसर आ गया कि सर ये नंबर लगा दो, ये नंबर आपका सही है, ये नंबर आपका राइट आंसर है। शा का उच्चारण स्थान कौन सा है, 97 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, शेयर करते रहिए दोस्तों, सेल्फ स्टडी क्लासेस पे बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है। यहां पर शा का उच्चारण स्थान आपको बताना है, और एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, लाइक जरूर करना है, सभी साथी लाइक करके जरूर जाया करो, इतने अच्छे सेशन से आप जुड़ते हो जहां पर आपको मजा आता है, और 40 मिनट आपको भी पता नहीं चलते कि सर कहां से चले गए, ऊपर से चले गए या नीचे से चले गए प्रेम सिंह जी। तो आपका उत्तर है सा का उच्चारण स्थान कौन सा है, 97 नंबर का क्वेश्चन, और उत्तर है तालू, यानी बी नंबर आपका सही है, ठीक है। वकील किस भाषा का शब्द है, 98, वकील तो आप जानते ही हैं, आप लोग भी वकील बनने होंगे, कई लोग वकीलों से परिचित होंगे, बताओ वकील किस भाषा का शब्द है, बताइए क्या हो जाएगा यहां पर सही आंसर, वकील किस भाषा का शब्द है, लाइक करिए जल्दी से, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, 1500 में 12 महीने कोई नहीं देगा आपको, इतना अच्छा कोई नहीं पढ़ाएगा, और आपको 1500 में 12 महीने दोस्तों, 10000 में 12 महीने बोलते हैं, बोले 10000 में 4 महीने बस, है ना, कई लोग बोलते हैं कोर्स कंप्लीट हो गया एक बार उसके बाद नहीं पढ़ाएंगे, यहां पर तो दो दो तीन तीन चार चार बार रिवीजन भी हो जाता है एक साल में, है ना। तो वकील किस भाषा का शब्द है, 98 नंबर का क्वेश्चन है, और 98 है कि सर अरबी लगा दो, अरबी, बोले सर वकील अरबों कमाते हैं वकील, तो वकील अरबी भाषा का शब्द होगा कि फारसी, बोले नहीं सर अब तो अरबों कमाते तो अरबी होगा, बी नंबर। सुमन राजे किस शब्दक से संबंधित है, 99 नंबर का क्वेश्चन है, सुमन राजे बताना है, जल्दी से बताइए सुमन राजे किस सप्तक से संबंधित हैं, एक अच्छा क्वेश्चन, शेयर करते बने तो शेयर भी कर दिया करो आप लोग अपने व्हाट्सएप पर, है ना, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सब जगह स्क्रीनशॉट लेकर भी शेयर कर सकते हो दोस्तों, है ना। सुमन राजे किस सप्तक से संबंधित है, 99 नंबर का क्वेश्चन है, और 99 नंबर में आपको पता है इसकी ट्रिक बताई थी हमने, कौन से सप्तक की बताई थी बताओ, सभी लोग बताएंगे, बताएं किसको पता है इसकी ट्रिक, दिव्या पांडे जी, सुशील जी, सुमन राजे किस सप्तक से संबंधित हैं, 99 नंबर का क्वेश्चन है, और उत्तर हो जाएगा चतुर्थ, यानी डी नंबर, चतुर्थ सप्तक के ए से संबंधित हैं, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचनाकार कौन है, रजनी जी, पुष्पा जी, संदीप सिंह जी, सभी लोग बताएंगे, बिल्कुल बताइए, एक मंथ में 5000 भी लेते हैं सर, बहुत बढ़िया संदीप जी, है ना। और हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचनाकार कौन है, 100 नंबर का क्वेश्चन है, और हरी घास पर क्षण भर एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, तो बताइए, चयन करिए और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों अपने मित्रों तक, और राइट आंसर हो जाएगा कि सर अज्ञेय लगा दो,
सी नंबर लगा दो। इतने बहुत सारे साथी हैं, सभी लोग एक एक बार लाइक करेंगे तो मजा आ जाएगा दोस्तों। लाइक भी जरूर कर दीजिए, ठीक है, अच्छा लगता है आप लोग लाइक करते हो, शेयर करते हो। जिनको भी एडमिशन लेना है सेल्फ स्टडी क्लासेस में, वो ले सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर लो सभी साथी, ठीक है। जिनको भी नोट्स मंगवाना अपने घर पर, एक सप्ताह में आपके घर भिजवाए जाएंगे दोस्तों नोट्स स्पीड पोस्ट के माध्यम से। सरिता जी, विजय गुप्ता जी, मंजू जी, हिंदी साहित्य के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, पंजाब मास्टर कैडर, यूके एलटी, है ना, और दोस्तों हरियाणा टेट, एचपी टेट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की, हिंदी साहित्य के लिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए आप नोट्स मंगवा सकते हैं, ठीक है। विकास जी, बलजीत जी, जसमेल जी और हमारे जितने भी साथी हैं वो सभी साथी ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए, ये वाला सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। और दोस्तों हिंदी साहित्य का 1500 में 12 महीने वाला ये कोर्स आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। टीजीटी, पीजीटी, मास्टर कैडर वाले सभी साथी, ठीक है, और अध्ययन करते रहना है, पढ़ते रहना है, लाइक शेयर करते रहना है, ठीक है। और ये दोस्तों नोट्स का आपके लिए एक डेमो है, हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि, इस प्रकार के नोट्स रहेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, द्विवेदी योग, छायावाद, ठीक है, और बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। आराधना पाल जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, ठीक है। लाइक करिए, शेयर भी करिए अपने मित्रों को। और यहां पर देखते हैं ये एकांकी निबंध इस प्रकार से, ठीक है, इनको दोस्तों जल्दी से बने रहिए, लाइक शेयर करिए, अध्ययन करिए, ठीक है।